जैसा कि आप सभी जानते हो, अकबर और बीरबल एक अच्छे मित्र थे। लेकिन मित्रता के अलावा भी अकबर हमेशा हर कार्य बीरबल को सौंप देता था, क्योंकि उनको भरोसा था कि बीरबल हर काम को बहुत अच्छे से निभाता है। लेकिन इस कारण महाराजा अकबर के दरबार में सभी उससे बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे। तो एक बार की बात है, जब एक मंत्री उदास अपने जगह में बैठे हुए थे, तब अकबर ने उनसे पूछा, अरे मंत्री जी, क्या बात है? मैं सुबह से आया हूँ और देख रहा हूँ कि आप सुबह से उदास हो। तो इस पर मंत्री बोलते हैं, महाराज, ये उदास होने के पीछे का कारण आप खुद है। तो ये सुन के अकबर बोलता है, अरे मैं खुद हूँ क्यों, मैंने क्या किया? तो इस पर वो मंत्री बोला, महाराज, आप हर कार्य बीरबल को सौंप देते हो और वो कार्य को वो पूरा करके आता है, जिसके कारण आप हमेशा उसकी प्रशंसा करते हो। जबकि ये सारे कार्य हर मंत्री कर सकता है, लेकिन आप मौका ही नहीं देते हो, तो हम अपने आप को साबित कैसे करें? बस इसी कारण से हम बहुत ज्यादा दुखी है। तो इस पर अकबर सोचता है और बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें 3 रुपए देता हूँ, तुम बाजार में जाओ और इस 3 रुपए को 3 चीज में बराबर खर्च करके आना, यानी हर एक चीज पर 1 रुपए। लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए, और तीसरी चीज ना यहाँ की होनी चाहिए और ना ही वहाँ की होनी चाहिए। ये सुन के वह मंत्री सोच में पड़ जाता है कि भैया, ऐसा कौन सा सामान है जो इस शर्त के साथ सही बैठता है। ये सोच के वो बाजार की तरफ चले जाता है और चीजें एक के बाद एक पलटने लगता है, अलग अलग दुकान में जाने लगता है और अलग अलग लोगों से मिलके उस पर बात करने लगता है। लेकिन एक समय के बाद वो मंत्री पूरी तरीके से थक जाता है और चिड़चिड़ करते हुए दोबारा बीरबल के पास आ जाता है और बीरबल को बोलता है, महाराज, आपने मुझे बेवकूफ बनाया, ऐसा कोई सामान नहीं है जो 1 रुपए में आपकी शर्त को पूरा करता है। तो इस पर अकबर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, ठीक है, मैं एक बार बीरबल को ये काम सौंप के देखता हूँ। तो वो बीरबल को बुलाते हैं और महाराजा बीरबल दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। फिर अकबर उनको 3 रुपए देते हैं और अपने शर्त के मुताबिक उनको दोबारा बोलते हैं, बीरबल, इस 3 रुपए से ऐसी 3 चीज लाओ जिसकी कीमत 1 रुपए हो। पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए, और तीसरी चीज ना तो यहाँ की होनी चाहिए और ना ही वहाँ की होनी चाहिए। तो बीरबल वहाँ से निकलते हैं और कुछ समय बाद दोबारा दरबार में आते हैं और आके अकबर को बोलते हैं, महाराजा, मैंने आपके शर्त के मुताबिक 3 चीजें खरीद लिया है। तो इस पे बीरबल बोलते हैं, अच्छा बताओ क्या क्या चीजें खरीदा है। तो फिर बीरबल बोलते हैं, पहला 1 रुपए मैंने मिठाई पर खर्च किया जो यहाँ इस दुनिया की है, दूसरा 1 रुपए मैंने एक गरीब फकीर को दिया जिससे मुझे पुण्य यहाँ तो नहीं मिलेगा लेकिन वहाँ यानी जन्नत में मिलेगा, और तीसरा 1 रुपए मैंने जुआ में लगा दिया। इस तरह जुआ में हारा 1 रुपए वो तीसरी चीज थी जो ना यहाँ मेरे काम आई और ना जन्नत में मेरे नसीब में आएगा। यह सुन के अकबर उस मंत्री की तरफ देखता है और बोलता है, यही कारण है कि मैं हर कार्य बीरबल को सौंपता हूँ।